हेलो स्कॉलर्स कैसे हैं आप सब साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी हमने आज के वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज इनको भी कंप्लीट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कीवर्ड इज बैटरी बट व्हाट इज बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ करके हम एक पावर का सोर्स बनाते हैं देन वी विल कॉल इट अ बैटरी जैसे यहां पर ये टू सेल्स को यूज करके हमने जब बैटरी बनाया तो क्या हो गया अ बैटरी ऑफ टू सेल्स इसी तरीके से फोर सेल्स को यूज करके हम जो बना रहे हैं कॉम्बिनेशन करके देन वी विल कॉल इट अ बैटरी ऑफ फोर सेल्स नेक्स्ट सर्किट डायग्राम व्हाट इज सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम देखिए यहाँ फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है ओके जैसे यहाँ फर्स्ट फिगर में देखिए यहां हमने क्या किया है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनका फिगर बनाया जैसे सेल का फिगर बनाया बल्ब का फिगर बनाया स्विच का फिगर बनाया अब इनको इन कंपोनेंट्स को इनके सिंबल्स की फॉर्म में जब हम ड्रॉ करते हैं तब देखिए हमने बल्ब का सिंबल ऐसे बना दिया वायर का सिंबल सिंबल एक स्ट्रेट लाइन में ये हमारा सेल का सिंबल हो गया ये हमारा स्विच का सिंबल हो गया तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इसको एक सर्किट डायग्राम बोलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वेरियस पार्ट्स टू कंप्लीट अ इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एग्जाम्पल वायर स्विच बैटरी बल्ब एटसेट्रा डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर के हम कोई सर्किट बनाते हैं जैसे आपका वायर हो गया स्विच हो गया बैटरी बल्ब इन सबको मिला करके एक सर्किट आपने कम्प्लीट किया तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या है दैट ऑल थिंग्स आर इलेक्ट्रिक कंपोनेट इलेक्ट्रिक बेल व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रिक बेल कंजिस्ट कंजिस्ट ऑफ अल एस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट पार्ट वाइज इसको समझेंगे आपको एकदम याद हो जाएगा इलेक्ट्रिक बेल में एक क्वाइल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रही उसके अलावा क्या है एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एक आयरन स्ट्रिप है जिसमें एक आगे हैमर अटैच है एंड ए गोंग तो तीन चीजें हो गई क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया क्वाइल की फॉर्म में एक आयरन स्ट्रिप हो गई जिसके ऊपर हैमर अटैच है एंड अ गोंग ये तीनों चीजें मिलकर के एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बेल बनाती है और इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैगनेट electromagnet. Electromagnet इलेक्ट्रोमैगनेटिपल पर फिगर में देखिए ये पोर्शन जो है हमारा एंड इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जो हैमर वाला पोर्सन है और ये नीचे तक एक्सटेंड हो रहा है दिस इज अयरन स्ट्रिप विद अ हैमर और ये जो गोल सी प्लेट आपको दिख रही है दिस इज अंग तो इन सब चीजों से मिल करके हमने एक इलेक्ट्रिक बेल बनाई और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे काम कर रही है जब ये हमारी क्वाइल इलेक्ट्रोमैगने मैग्नेटाइज होती है तब ये आयरन स्ट्रिप को पुल करती है और ये गोंग से टकरा करके एक साउंड क्रिएट करता है नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट अ करेंट कैरिंग क्वाइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैब अराउंड ए पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज है फिगर के थ्रू समझते हैं करंट कैरिंग क्वाइल ऑफ एन इंसुलेटेड एक nail या लिया हुआ है iron का इसके around, इसके around एक वायर को रैप किया हुआ है वायर कैसा है इंसुलेटेड है ओके okay, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है स्विच को क्लोज कर रखा है तो ये क्या हो गया दिस इज अ करंट कैरिंग क्वाइल हो गया करंट कैरिंग क्वाइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर इलेक्ट्रो मैगनेट नेक्स्ट फ्यूज वॉट इज फ्यूज अ फ्यूज इज अ प्रिवेंटिव डिवाइस दैट इज ब्लून एट एक्सेस करेंट एंड प्रिवेंट्स द सर्किट इस तरीके का फ्यूज होता है आपने अपने घरों में देखा भी होगा क्या होता है इसमें ये एक प्रिवेंटिव डिवाइस है हम घरों में जो यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमारे घर में एक्सेस करंट लोड बढ़ जा रहा है करंट बढ़ जा रही तो उसकी वजह से हीटिंग की वजह से कहीं पर फायर ना हो जाए ओके तो फायर ना लग जाए या शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं कोई ऑपरेटर्स हमारा खराब ना हो जाए तो क्या होता है ये डिवाइस क्या करती है इसमें एक फ्यूज वायर बंधा होता है यहाँ से यहाँ तक जब एक्सेस करंट फ्लो करती है जिस रेटिंग का आपने फ्यूज वायर बांधा है उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगी तब क्या होगा ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा ब्लो हो जाएगा और मेल्ट होते ही ये सर्किट को डिसकनेक्ट कर देगा और हमारी करंट आगे फ्लो होना बंद हो जाएगी और हमारे घर की वायरिंग या ऑपरेटर्स जो है सेफ रहेंगे इसी तरीके से ग्लास फ्यूजेस होते हैं इसके अंदर भी देखिए ये एक वायर है ये जब ब्लो हो जाता है तब ये अंदर से वायर टूट जाता है और करंट को पास होने से रोक देता है ओके okay, सर्किट को ब्रेक कर देता है नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हीटिंग इफेक्ट क्या होता है करंट का व्हेन करंट हीट प्रोड्यूसेस इन इट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट जब भी किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास होती है तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है उस करंट पास होने की वजह से और इसी इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं कंडक्टर का जो हम नॉर्मल घर में भी अपने वायरिंग यूज करते हैं बट उसमें क्या होता है उसमें हम उस सफिशियंट मटेरियल का उसने उसकी थिकनेस का वायर यूज करते हैं ताकि वो उस हीट को क्वेंच कर सके उस हीट को विद स्टैंड कर सके ताकि वो मेल्ट ना हो ओके okay? अब हीटिंग इफेक्ट वाली चीजें कैसे हम यूज करते हैं अपने घर में जो हमारा हीटर है और इसके अलावा ब्लोअर है आयरन है ये सब ही, हीटिंग इफेक्ट को यूज करके हम इस तरीके के ऑपरेटर्स भी घर में यूज करते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हीटिंग इफेक्ट के अलावा एक और इफेक्ट कौन सा है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ अ वायर इट लाइक मैग्नेट दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तब क्या होता है वो वायर क्वाइल जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है हमने चैप्टर रीडिंग में इसके बारे में पढ़ा भी था तो ये जो इफेक्ट है करंट का इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं चलिए कीवर्ड्स हो गए देखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ इन योर नोटबुक द द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टिंग वायर स्विच इन दी ऑफ पोजिशन बल्ब सेल स्विच इन ऑन दोजीशन एंड बैटरी आपकी बुक में भी दिए हुए हैं आप देख के ड्रॉ कर सकते हैं वायर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं कहीं भी जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं इसी तरीके से स्विच इन ऑफ पोजीशन ऑफ मीन सर्किट ब्रेक है देखिए यहां पर हमने क्या किया ये वायर से कनेक्ट होकर के ये स्विच है और इसको हमने दूसरे पॉइंट से ओपन रखा है मीन्स ये ओपन कंडीशन में है इसको हम स्विच इन ऑफ पोजिशन बोलेंगे ये सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा है नेक्स्ट बल्ब बल्ब को आपने देखा कि किस तरीके से हम सिंबल के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है ओके नेक्स्ट ऑन देखिए जो ऑफ पोजिशन का हमारा सिंबल था उसके जस्ट अपोजिट है यहां पर हम इस स्विच को के दोनों एंड को कनेक्ट कर रहे हैं मीन्स ये स्विच जो है क्या कर रहा है ऑन पोजिशन में है सर्किट को कंप्लीट कर रहा है नेक्स्ट बैटरी बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल में क्या फर्क आ गया बैटरी में दो सेल या दो से ज्यादा सेल लगे हुए हैं तो हमने क्या किया दोनों सेल को यहां सिंबल्स बना के कनेक्ट की फॉर्म कनेक्शन की फॉर्म में दिखाया है इसमें बस ध्यान आपको यही देना है कि क्या कैसे हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट करते हैं यहां देखिए छोटी वाली जो लाइन है उसको हमने इस बड़ी वाली लाइन से कनेक्ट किया हुआ है ओके तो इसी तरीके से हमें इस सिंबल को शो करना है क्वेश्चन नंबर टू

वायर से कनेक्ट करने के बाद में आपका स्विच क्या है ऑफ पोजीशन में है तो स्विच ऑफ पोजीशन वाला सिंबल बना दीजिए उसके बाद क्या है हमारा बल्ब कनेक्ट हो रहा है तो बल्ब का सिंबल बना दीजिए ओके बल्ब का सिंबल बना दिया अब ये बल्ब से कनेक्ट कनेक्ट होने के बाद कहाँ आ रहा है वापस सेल के दूसरे पोल पे कनेक्ट हो रहा है तो इस तरीके से आप इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट फिगर 14.22 शोज फोर सेल्स फिक्स ऑन अ बोट ड्रॉ लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल्सरी बनानी है। जब भी सेल्स को कनेक्ट करके बैटरी बनानी है आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव से ही कनेक्ट करना है तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को सपोज हमने एक एंड मान लिया ये हमारा एक एंड हो गया यहाँ से हम सोर्स ले सकते हैं अब निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसका निगेटिव दूसरे सेल के किससे कनेक्ट होगा जाके इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा ओके अब इस सेल का निगेटिव कहाँ जाएगा इस सेल का निगेटिव नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा पॉजिटिव कहाँ है नीचे है हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा आके अब देखिए यहाँ क्या हुआ निगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ फिर अगेन निगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ अब ये निगेटिव कहाँ कनेक्ट हो गया जाके ये फिर पॉजिटिव में कनेक्ट होगा गया तो इसका पॉजिटिव कहाँ दिखा रहा है ऊपर दिखा रहा है अब ये दूसरा एंड क्या है हमारा ये बैटरी का दूसरा पॉइंट हो गया तो यहां पर से पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल गया बैटरी का यहां से निगेटिव पॉइंट मिल गया जब भी हम किसी सर्किट में इसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो अब इस सर्किट में कहीं कोई प्रॉब्लम है इस वजह से ये बल्ब जल नहीं रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है सबसे पहले तो आप ये सोच सकते हैं कि बल्ब भी फ्यूज होगा बट आप जरा सर्किट पे गौर करिए कि सर्किट में क्या प्रॉब्लम है आपका स्विच क्या है ऑन पोजिशन में है बिल्कुल सही है वायर कनेक्शन हो रखे हैं स्विच में स्विच के बाद में बल्ब में भी लगा है बल्ब के बाद में सेल में आ रहा है बट ध्यान से देखिए यहाँ पर आपने सेल्स को ही गलत कनेक्ट किया है सेल्स हमेशा कैसे कनेक्ट होते हैं हमेशा पॉजिटिव जो है निगेटिव के साथ में कनेक्ट होता है यहाँ क्या किया आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया अब इसका करेक्ट फिगर क्या होगा दिस वन इज द करेक्ट फिगर आप इस सेल की पोलरिटी को चेंज कर दीजिए यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया यहाँ निगेटिव कर दिया और उसके बाद में आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा कभी आपने अगर टीवी के रिमोट में या किसी और भी चीज में अपने टॉयज में भी सेल अगर उल्टे डाल दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो टॉय हमारा या रिमोट काम नहीं करता है तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर फाइव नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के कोई दो इफेक्ट लिखना है की में भी हम पढ़ चुके हैं टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक करंट का ये क्या है हीटिंग इफेक्ट है नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दूसरा क्या इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स deflected from its north-south position. Explain. जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं स्विच ऑन कर देते हैं और कंपास की उसके पास रखी हुई है, है कंपास रखा हुआ है, तो उसकी नीडल क्या होती है डिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्थ साउथ पोजीशन नॉर्मली नॉर्थ साउथ पोजीशन में ही रहती है कंपास की नीडल बट अब वो वायर के पास रखी हुई है वायर को हमने ऑन कर दिया करेंट फ्लो हो रही है डिफ्लेक्ट हो जाती है क्यों वेन द करंट पास थ्रू अ वायर द वायर बिकम्स इलेक्ट्रो मैगनेट यह आपने पढ़ा था जब किसी करेंट वायर के थ्रू करेंट पास होती है तो वो क्या होती है इलेक्ट्रो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है अब जब वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई तो कम्पास की निडिल भी मैग्नेट होती है तो दोनों एक दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट डालते हैं जिस वजह से कंपास की निडिल डिफ्लेक्ट हो जाती है द कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रो मैग्नेट ये जो वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इस वजह से कंपास की नीडल हमारी डिफ्लेक्ट होती है क्वेश्चन नंबर कम्पासन विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर इज क्लोज अब देखिए यहां पर कंपास रखा हुआ है इसके अंदर देखेंगे न? जो मैच बॉक्स का कार्डबोर्ड है उसके अंदर में कंपास रखा हुआ है अब अगर आप स्विच इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी सर्किट को ध्यान से देखिए क्या होगा नो बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट सच एज सेल और बैटरी इन दर्किट इस सर्किट में देखिए कहीं कोई सेल या बैटरी है ही नहीं जब सेल या बैटरी ही नहीं है पावर का सोर्स ही नहीं है तो करंट फ्लो ही नहीं होगी जब करंट फ्लो नहीं होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा नहीं वायर वायर इलेक्ट्रोमैगनेट नहीं बनेगा तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी ओके क्वेश्चन नंबर एट फिल इन द ब्लैंक्स

ज अ बैटरी जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं उसको कंबाइंड करते हैं तो हम उसको बैटरी बोलते हैं इज ऑन इन अ रूम हीटर इट जब हम किसी रूम हीटर में करंट स्विच ऑन करते हैं तो क्या करते हैं क्या होता है रूम हीटर गिव्स हीट इट गिव्स हीट द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज फ्यूज क्या है एक सेफ्टी डिवाइस ही है ना जो हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रही है जब उसमें करंट फ्लो करती है एक्सेस करंट फ्लो करती है तो हीट के कारण क्या होता है फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन मार्क टू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट फॉल्स। ए टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल अगर हमें दो सेल की बैटरी बनानी है तो पहले सेल के निगेटिव को भी को दूसरे सेल के निगेटिव से कनेक्ट करना है क्या लग रहा है आपको सही है नो दिस इज रॉन्ग हमें हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है दोनों बैटरी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोलर्टीज को व्हेन द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स ए सर्टन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्स एंड ब्रेक्स जब हमारे किसी फ्यूज में इलेक्ट्रिक करंट जो है एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है यस दिस इज राइट क्यों क्योंकि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है उसमें एक्सेस करंट जैसे ही फ्लो होगी उसका वायर मेल्ट हो जाएगा और हमारे सर्किट को वायरिंग को इक्विपमेंट्स को सेफ रखता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है किसी पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है दिस इज रॉन्ग क्यों 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 रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह ही वर्क करता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा करंट उसमें पास हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी मैग्नेट की होगी और वो आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है यस इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रो मैग्नेट होता है क्वेश्चन नंबर टेन डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिकार्बेज हिप एक्सप्लेन आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से आप कहीं गार्बेज हिप है बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है उसमें से प्लास्टिक बैग्स को केवल अलग करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं नो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज बिकॉज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन वर्क एज अचुरल मैग्नेट एंड एट्रैक्ट ओनली आयरन आर्टिकल्स इलेक्ट्रो मैग्नेट भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह ही काम करता है और केवल आयरन आर्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है तो आप क्या कर सकते हैं किसी गार्बेज हिप से आयरन आर्टिकल्स को तो सेपरेट कर सकते हैं लेकिन प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन आई एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाई अ पीस ऑफ वायर वुड यू एग्री गिव रीजन फॉर यूर रिस्पॉन्स आपके घर में कुछ काम हुआ है इलेक्ट्रिशियन आया कुछ वायरिंग रिपेयर की उसने फिर क्या हुआ उसी समय उसने फ्यूज का जो वायर था वो खराब था जल गया था तो उसने क्या किया नॉर्मल था उसी में से एक वायर का पीस काटा और फ्यूज में लगा दिया तो आप उससे एग्री हैं क्या वो वायर लगा देना चाहिए फ्यूज वायर शुड नॉट बी रिप्लेस्ड विथ सिंपल पीस ऑफ वायर बिकॉज फ्यूज वायर आर मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल फ्यूज के अंदर जो वायर लगाया जाता है वो नॉर्मल आपके घर में जो वायरिंग है उसके वायर से रिप्लेस नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि फ्यूज वायर कुछ स्पेशल मटेरियल से बना होता है किस लिए ऐसा होता है आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऑफ करंट फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्लोन टू सेव द इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्यों क्योंकि फ्यूज वायर स्पेशल मटेरियल से बना होता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है उस सर्टेन लिमिट से ऊपर जब करंट जाती है तो वो मेल्ट हो जाता है और आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सेफ रखता है अगर आप नॉर्मल वायर उसकी जगह बांध देंगे तब क्या होगा कि हो सकता है करंट लिमिट से ज्यादा फ्लो हो रही हो और वो वायर मेल्ट ना हो ब्लो ना हो तब क्या होगा आपके घर की वायरिंग जल सकती है फायर लग सकती है आपका इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं घर के ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जुबैदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर अ स्विच एंड अ बल्ब

आपका जो ये बैटरी का वायर है इसको कहाँ से कनेक्ट करेंगे इस स्विच से कनेक्ट करेंगे आके फिर स्विच का वायर कहा कनेक्ट करेंगे बल्ब के एक टर्मिनल से जो बाहर साइड में रहता है फिर इसके बॉटम में इसका दूसरा टर्मिनल होता है आपको पता है उस टर्मिनल को सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तब ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा ओके इस सर्किट को अगर सही से वो बनाएगी तो बल्ब उसका ग्लो होना चाहिए था ग्लो नहीं हो रहा है क्या क्या रीजन हो सकते हैं पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट फर्स्ट सेल टर्मिनल्स में भी रॉन्गली प्लेस्ड हो सकता है उसने सेल जो है ये जो दो सेल लगाए हैं इनके टर्मिनल सही ना हो मींस उसने इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव को एक साथ में कनेक्ट कर दिया हो तब क्या होगा तब भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा ओके दूसरा रीजन क्या हो सकता है कनेक्शन वायर में भी लूज हो सकता है उसने जो कनेक्शंस किए हों उसके कनेक्शन वायर जो है वो लूज हो सही से कनेक्ट ना किए हों फिलामेंट ऑफ बल्ब में भी ब्रोके पूरा सर्किट सही हो बल्ब ही बल्ब का फिलामेंट ही टूटा हुआ हो बल्ब ही फ्यूज हो तो भी उसका बल्ब ग्लो नहीं करेगा सर्किट कनेक्शन में भी रॉन्ग हो सकता है उसने सर्किट कनेक्शन ना सही किया हो और उसने वायरिंग जो की है वो उसकी सही ना हो कहीं उसने बल्ब के जो ये दो अलग अलग पॉइंट है डिफरेंट डिफरेंट डिफरें पॉइंट वहां ना कनेक्ट करके कहीं एक ही पॉइंट पे दोनों कनेक्ट कर दिए हो तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है स्विच में नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली हो सकता है उसका जो स्विच है वो सही काम ना कर रहा हो स्विच यहां दिखा रहा है कि कनेक्शन है बट वो प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो और करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द सर्किट शोन इन फिगर फर्स्ट वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो वेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन देखिए इसमें क्या है इसमें दो सेल लगाए गए हैं और इन दोनों सेल के बाद में यहाँ पर पहले क्या है एक बल्ब है दूसरा बल्ब है बीच में स्विच है और ये तीसरा बल्ब है टोटल ए बी सी थ्री बल्ब हैं और क्या है कि स्विच जब ऑफ पोजीशन में ऑफ पोजीशन मीन्स ये जिस पोजीशन में दिखाया गया है इसी पोजीशन में है तब क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा अब देखिए क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगी करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं होगा तो स्विच ऑफ पोजिशन में है ऑपोजिशन में है और तीनों ही बल्ब एक दूसरे के सीरीज में हैं और सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा नो बल्ब विल ग्लो एज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट अब इसी का सेकंड है वॉट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी एंड सी विल ग्लो वेन द स्विच इज मूव टू दिन पोजिशन अब अगर हम इस स्विच को ऑन पोजिशन में कर दें यहाँ पे इसको हमने ऑन पोजिशन में कर दिया तब क्या होगा किस ऑर्डर में बल्ब जलेंगे क्या पहले ए वाला जलेगा या पहले बी वाला या पहले सी वाला आपको क्या लगता है ऑल विल ग्लो साइमल्टेनियसली मीन्स सारे बल्ब एक साथ जलेंगे क्यों क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट होगा तो पूरे ही सर्किट में एक साथ करंट फ्लो होगी और जब एक साथ करंट फ्लो होगी तो सारे करंट बल्ब एक साथ ही ग्लो होंगे ऐसा नहीं है कि कोई बल्ब पहले ग्लो हो जाए और कोई बल्ब बाद में ग्लो हो ओके चलिए ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था इसके साथ ही कीवर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे टिल देन बाय